फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आभा खत्री आज आपके लिए कोई न्यू सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये सब्जी बहुत ही सिंपल है, इसका नाम है दही वाली गिलकी की सब्जी। बहुत ही सिंपल सब्जी है, लेकिन इसे मैंने दही डाल के बनाया है और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी दी है, तो बच्चे भी इसे आसानी से खा सकते हैं। और इस तरह से आप बनाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये सब्जी। तो गर्मियों में तो हमें इस तरह की सब्जियाँ खानी ही चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक मुझे ज़रूर दीजिए। तो आइए किचन में चलते हैं और बनाते वेरी हेल्दी और टेस्टी दही वाली गिलकी की सब्जी। आज हम बनाने जा रहे हैं दही वाली गिलकी की सब्जी, जो बहुत ही हेल्दी होती है और गर्मी में इसे ज़रूर खाना चाहिए। तो मैंने उसके लिए 500 ग्राम गिलकी ली है, इसे पील कर और बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है मैंने, और कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। अब जैसे ऑयल गर्म होता है उसमें राई ऐड कर देंगे। जैसे राई तड़कने लग जाए जीरा भी ऐड कर देंगे इसी टाइम पे, साथ ही साथ हम हींग ऐड कर देंगे चॉप में ही। अब इसमें हम ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। जो लोग गार्लिक नहीं खाते वो इस टाइम पे गार्लिक को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, लेकिन गार्लिक दही के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। अब गार्लिक को हमें हल्का भून लेना है जब तक ये पूरी तरह पक जाए, इसकी कच्ची खुशबू पूरी चले जाना चाहिए, इसलिए हम इसे पहले तेल में पकाएंगे। अब जब गार्लिक पूरी तरह से पक जाए, अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे और इसे कुक कर लेंगे अच्छी तरह से। टोमेटो की प्यूरी में इस तरह का बॉईल आने लगे तब इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे, क्योंकि बेसन को भी हमें पकाना है, इसलिए बेसन भी हमें अभी ऐड करना पड़ेगा। इसे अच्छा सा मिक्स दे देंगे। अब दोनों को अच्छी तरह से पका लेंगे हम। अब आप देख सकते हैं टोमेटो प्यूरी अच्छी तरह से पक चुकी है, इसमें ऑयल सेपरेट कर दिया है और बेसन भी पक चुका है। अब इसमें हम ड्राई मसाला ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, और इन सबको मिक्स कर देंगे हम ग्रेवी के साथ। बेसन के कारण हमारी ग्रेवी में कितनी अच्छी थिकनेस आ चुकी है आप देख सकते हैं। और जब मसाला ग्रेवी इस तरह से ऑयल छोड़ दे, तब अब इसमें हमें कर्ड ऐड करना है, यानी कि दही ऐड करना है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। जो आपके घर में गिलकी नहीं खाते वो भी खाने लग जाएंगे। फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे पकाना है दही को अच्छी तरह से चलाते हुए। जैसे जैसे ग्रेवी पकेगी गाढ़ी होती जाएगी आप देख सकते हैं, और ऑयल भी रिलीज करेगी। अब आप देख सकते हैं ऑयल कितना अच्छा छूट गया है हमारी ग्रेवी में से। अब इसी टाइम पे हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे, इससे सब्जी में खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। बाद में हम और ऐड कर देंगे, लेकिन अभी इस टाइम पे ग्रेवी पे ऐड करना है हमें। अब आप देख सकते हैं, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये गिलकी की सब्जी बन रही है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अब जब हमारी ग्रेवी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, अब इसमें हम गिलकी ऐड कर देंगे। अब गिलकी ऐड करते ही हमें इसमें नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देना है और सब्जी को मिक्स दे देना है अच्छा सा। और गिलकी पकने में देर तो लगती नहीं है, अब इसे 5 से 7 मिनट हम स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो मैंने सब्जी को 5 ही मिनट पकाया है, ये पूरी तरह से पक चुकी है आप देख सकते हैं, ये
सब्जी पूरी तरह से गल चुकी है और आप देखिए एकदम पानी वाली सब्जी नहीं लग रही है, कितनी अच्छी ग्रेवी की सब्जी बनी है हमारी। इसे आप इस तरह से चपाती से भी खा सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इस तरह से दही वाली गिल्की की सब्जी ज़रूर बनाइए। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हमारी गर्मा गर्म दही वाली गिल्की की सब्जी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।